दुर्ग बीआईटी में 1997 बैच के 25 साल पुराने दोस्त मिले। इस एलुमनी समारोह में कार्यक्रम में पहुंची राज्यपाल महोदया ने उनके बीच अपने अनुभव साझा किए। बीआईटी दुर्ग में 1997 बैच का एलुमनी मीट कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया, जहां कुलाधिपति राज्यपाल अनुसुईया उके इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। गौरतलब है कि बीआईटी के 25 साल पुराने दोस्त एक बार फिर मिले, वहीं इस कार्यक्रम में देश विदेश के 70 पुराने छात्र शामिल हुए। पुरानी खट्टी मीठी यादों पर मुस्कुराए, दोस्तों को देखकर सभी की आंखें नम हुई। ये दोस्त आज के दौर में देश विदेश में नामी कंपनियों में बड़े पदों पर आसीन हैं। एलुमनी मीट के लिए स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों में बस चुके पूर्व छात्र कई साल बाद दुर्ग आए हैं। इसमें बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे भी शामिल हैं। शैलेश दुर्ग बीआईटी के पूर्व छात्र रहे हैं। एलुमनी के तौर पर गूगल भारत के संजय अग्रवाल और स्विट्जरलैंड बेस्ट कंपनी में सीएमडी अंकुश श्रीवास्तव भी यहां शामिल हुए। इसी तरह वॉकलिस बैंक में कार्यरत एलुमनी पूजा वर्मा सहित तमाम पूर्व छात्र कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस संबंध में मीडिया को राज्यपाल अनुसुईया उके ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अरे ये मोबाइल अपने आप में भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि जो लोग यहाँ से शिक्षा लेकर गए, शिक्षा लेकर आज को जब हमारे यहाँ से शिक्षा ली और वहाँ पर जब आते हैं से मिलने का अवसर मिलता है और जो वर्तमान में जो विद्यार्थी है वो भी इस बात की जानकारी होती है, उसे भी एक प्रेरणा मिलती है कि मैं भी इस तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन और कहां पूरे देश और विदेश में मतलब कार्यरत है, तो ये एक बहुत अच्छा। और मैं इसके लिए हमारे विधायक जी शैलेंद्र पांडे जी उनको धन्यवाद देती हूँ कि ये पूरा कार्यक्रम इन्हीं के माध्यम से ये आयोजित हुआ और उन्होंने कहा था कि आप इस संस्थान में आइए और हमारे भूतपूर्व छात्रों को हम यहाँ बुला रहे हैं और उनके निमंत्रण में मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी वर्तमान और भूतपूर्व छात्रों को भी मैं बहुत शुभकामना बधाई देती हूँ कि वो इसी तरह से अपने भारत देश का नाम रोशन करें, उनके विकास को और आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहें। मेरी सभी छात्र जो वर्तमान में उनके लिए उज्ज्वल भविष्य में काम करें। मैडम, ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।